बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट भी था लोग पे। मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग मैथ्स की क्लास को लेकर के ये सीरीज कंटिन्यू किए हैं। लगातार आपको 12 बजे से क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है मैथ्स की, जिसमें मैथ्स में हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स का सेशन कंप्लीट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, जिसमें काफ़ी जो है हमें आपके पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं, इसलिए हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप लोग रिस्पांस करते हैं तो हम लोग को लगता है कि नहीं, आपके लिए हम इस दिशा में काम करें और कहीं ना कहीं मेरे प्रयास आपके लिए आपकी सफलता में कहीं ना कहीं से आपके लिए अच्छे होंगे और आपको एक मजबूत सिला प्रोवाइड करते होंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग जो है, जैसे जैसे हमने मेंस्ट्रुएशन का इंट्रोडक्शन दिया, आपको क्षेत्रमिति के बारे में बताया, तो आपको क्षेत्रमिति से संबंधित मैंने जो भी बेसिक जानकारी हो सकती हो मैंने एक लगातार वीडियोज के माध्यम से देना शुरू किया। मैंने आपको त्रिभुज के बारे में बताया, मैंने आपको चतुर्भुज के बारे में बताया, लेकिन त्रिभुज और चतुर्भुज के बाद जो अगले फिगर की शुरुआत होती है आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं। जब आप किसी भी फिगर की बात करते हैं तो मैंने आपको सबसे पहले भी बताया था कि फिगर दो प्रकार से बनकर आते हैं, एक तो ओपन फिगर होते हैं, एक क्लोज फिगर होते हैं। आपको फिगर के पहले भी मैंने चीजों को बताया कि फिगर बनते कैसे हैं, तो आपको पता था कि फिगर पहले बनने के लिए सबसे पहले एक सतह होनी चाहिए। सतह दो प्रकार की होती है, एक समतल होती है, एक आपका स्पेस होता है। समतल का मतलब आपको पता है कि जैसे हम ये बोर्ड पे लिखते हैं तो हमसे एक समतल सतह पे लिखते हैं, जब हम फर्श पे खड़े होते हैं तो एक समतल सतह पे खड़े होते हैं, लेकिन जब हम स्पेस की बात करते हैं, हम अपनी पूरी बात करते हैं, तो हम एक जिस सराउंडिंग में होते हैं उसको एक स्पेस कहते हैं। स्पेस में कोई एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, मतलब कोई फिगर नहीं बनाया जा सकता, किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। और बाद में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड फिगर में आगे डिटेल से। यहाँ की बातों को करा जाए तो हम सबसे पहले किसी समतल में किसी बिंदु को प्लॉट करते हैं, बिंदु को प्लॉट करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाते हैं तो रेखाएं बनती हैं, रेखाओं को रेखाओं से मिलाते हैं तो कोण बनता है, और जैसे ही दो से अधिक रेखाओं को मिलाते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ पे दो से अधिक रेखाओं को मिलाते हैं तो जिस आकृति का निर्माण होता है, दो रेखाओं को जैसे मिलाया जाता है तो जिस आकृति का निर्माण होगा उस आकृति को हम लोग यहाँ पे किसी एक फिगर का नाम दे देते हैं। वो आकृति की शुरुआत सबसे पहले आप सबको पता है किसी एक त्रिभुज से होती है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको त्रिभुज के बारे में बताया। इसमें भी जो आकृतियां बनती हैं आप सबको पता है कि दो प्रकार की बनती है, कि जो त्रिभुज से पहले भी एक आकृति आपकी बनी जिसको हमने ओपन फिगर बोला। अब आप जैसे इस फिगर की बात कर रहे थे इसको ओपन फिगर कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने फिगर के सभी बिंदुओं को आपस में ज्वाइंट कर दिया, मिला दिया, तो मिलाने से जिस फिगर का निर्माण हुआ वो आपकी एक बंद आकृति कहलाई, एक क्लोज फिगर कहलाया। उसी क्लोज फिगर के दिशा में जैसे हम त्रिभुज पढ़े तो उसी त्रिभुज के साथ अगले क्लोज फिगर की बात हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, हिंदी में हम इसको चतुर्भुज कहते हैं, हिंदी में हम इसको चतुर्भुज कहते हैं। अब आप देखिएगा हम चतुर्भुज के बारे में आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चतुर्भुज के बारे में आपको कुछ थोड़ी बोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैं आपको वादा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको बहुत सारी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो कि चतुर्भुज से संबंधित होती है, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जब आप चतुर्भुज बनाते हैं तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के पहले भी जिसका नाम दिया जाता है इसको कहा जाता है एक बंद आकृति है, एक क्लोज्ड फिगर है जिसको हम लोग यहाँ पे बंद आकृति कहते हैं। इस बंद आकृति की अगर मैं बात करूँ, इस बंद आकृति को बनाने के लिए चार बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, इस बंद आकृति को बनाने के लिए चार बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, और चार बिंदुओं को जैसे ही हम मिला देते हैं तो किसी एक चतुर्भुज का निर्माण होता है, मतलब कि जो आकृति आपके सामने बनकर आती है वो एक चतुर्भुज कहलाती है। अब ये एक क्लोज बाउंडेड फिगर, लाइन ज्वाइंट बाय या बाउंडेड बाय द फोर लाइन सेगमेंट, चार रेखाओं से बिन करके बना होता है, तो यहाँ पे जिस फिगर का निर्माण हुआ उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक चतुर्भुज का नाम दिया। इसमें चार बिंदु थे, बिंदु को इंग्लिश में हम वर्टेक्स कहते हैं, चार बिंदु थे और उन बिंदुओं की बात की जाए तो बिंदु ए था, बिंदु बी था, बिंदु सी था और बिंदु डी था। तो पहले ही बात हमने कहा चार बिंदु थे, मैंने कहा चार रेखाएं थी, चार लाइंस थी, चार रेखाएं थी आपके पास या लाइन सेगमेंट थे, जिसको हम ए बी नाम कह दे रहे हैं, हम बी सी की बात कह रहे हैं, हम सी ए की बात, हम ए सी की बात कह रहे हैं, सॉरी हम ए बी कह रहे हैं, हम बी सी कह रहे हैं, हम ए बी कह रहे हैं, हम बी सी कह रहे हैं, हम सी डी कह रहे हैं, हम इसी क्रम में ए डी कह रहे हैं। तो हम चार रेखाओं की बात कर रहे थे, हम चार कोणों की बात करते हैं, यहाँ पे फोर एंगल्स भी होते हैं, फोर कोण होते हैं, चार कोण होते हैं। अगर आप कोणों की बात करेंगे तो कोण ए होगा, कोण बी होगा, कोण सी होगा और कोण डी होगा। और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन किसी भी चतुर्भुज के, हम आगे चल करके आपको बहुभुज के बारे में बताएंगे, लेकिन हम अभी केवल चतुर्भुज के बारे में बताएं कि चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी अंतःकोणों की बात करिएगा, अंतःकोणों का योग
360 डिग्री के बराबर होता है। जब कोई भी आप चतुर्भुज किसी भी प्रकार का यहाँ पे चतुर्भुज लेंगे, कोणों का योग यहाँ पे 360 डिग्री होता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपली कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी का मान 360 डिग्री होता है। तो मैंने आपको बताया कि किसी चतुर्भुज को बनाने के लिए चार बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, चार रेखाओं की जरूरत पड़ती है, चार कोणों की जरूरत पड़ती है, सभी कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे बताएं कि अगर कोई भी चतुर्भुज बना तो उसके विपरीत बिंदुओं को मिलाएंगे तो दो प्रकार की अन्य रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन रेखाओं को हम लोग यहाँ पर डायगोनल्स कहते हैं, मतलब विकर्ण कहते हैं। आप इन रेखाओं की बात करें, जैसे AC है और आपके पास एक अन्य रेखा बनकर IBD है, तो आप AC और BD को आप यहाँ पे इस चतुर्भुज का डायगोनल कहते हैं या विकर्ण की लंबाई कहते हैं। इसको आप विकर्ण की लंबाई कहते हैं या डायगोनल कहते हैं। तो चतुर्भुज की इन सब बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने पढ़ा कि चतुर्भुज बना तो बिंदुओं से बना, रेखाएं मिली, कोण मिले और विकर्ण की लंबाइयों ने त्रिभुज को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया। इस प्रकार से किसी एक चतुर्भुज का निर्माण हुआ। जब चतुर्भुज बन गया तो इन चतुर्भुज के हर प्रकार को समझना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप हर प्रकार के चतुर्भुज की बात करिए, मैं आपको हर एक फिगर, जो भी चतुर्भुज जितने भी आपके ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से संबंधित हैं, उन हर फिगर को डिटेल से हम आपके डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन जब हम एक एक फिगर को उठाएंगे, हम दो प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। एक तो ज्यामिति पे संबंधित उनकी सारी डिटेल हम आपको देंगे, दूसरी आपको मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति से संबंधित भी उनकी डिटेल और इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि हम ये चैप्टर मेंसुरेशन का पढ़ रहे हैं। इसलिए हम जो इन्फॉर्मेशन देंगे आपके दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएंगे, मेंसुरेशन के हिसाब से भी और ज्यामिति के हिसाब से भी। तो इसलिए आप दोनों चीजों को डिटेल से गौर करके देखिएगा। हम यहां पे बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुजों के प्रकार की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के प्रकार देखिएगा, चतुर्भुज के प्रकार की बात करिए। अब देखिए, आप सभी लोग चतुर्भुज के प्रकार को अगर हम लोग नोटिस करें तो एक हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, कुछ भी ले लिया आपने, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। आप इस क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज को सबसे पहले दो पार्ट से या कुछ अन्य पार्ट्स में आप ब्रेक कर दीजिए। सबसे पहले पार्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बना आपका पैरेललोग्राम, ध्यान रखिएगा, एक बना आपके पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहेंगे समांतर चतुर्भुज। एक पैरेललोग्राम बना। अब एक बना आपके पास यहाँ पे ट्रेपीजियम, एक बना आपके पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को हम लोग यहाँ पे समलंब चतुर्भुज कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एक ट्रेपीजियम बना, एक आपके पास बना काइट, काइट को हम लोग यहाँ पे पतंग कहते हैं। अब आप समझिएगा, आप तीन प्रकार के सबसे पहले चतुर्भुजों की बात करें, पहला चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज है, दूसरा आपका समलंब चतुर्भुज है, तीसरा आपके पास काइट या पतंग है। समांतर चतुर्भुज की बात करें तो आपके पास समांतर चतुर्भुज में एक बना आपके पास रिक्टेंगल, याद रखिए कि एक बना आपके पास रिक्टेंगल। रिक्टेंगल को हम लोग आयत कहते हैं। अब आप समझिए, एक एक चीज को डिटेल से यहाँ पे समझने की जरूरत है। एक बना आपके पास स्क्वायर, स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे वर्ग कहते हैं, स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे वर्ग कहते हैं। एक बना आपके पास रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस की बात करें तो ये आपका, ये भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए ऐसे बनाया हमने। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज। रोम्बस को हम लोग कहते हैं, रोम्बस को सम चतुर्भुज कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं। अब आप देखिएगा, यहाँ पे अगर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हम जब एक एक फिगर को पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब के सब क्वाड्रिलेटरल हैं, मतलब चतुर्भुज हैं, और इन चतुर्भुजों की सबसे पहले मैंने तीन कैटेगरी डिसाइड करी, एक तो समांतर चतुर्भुज, दूसरा समलंब चतुर्भुज, तीसरा हमने पतंग। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की बात करें तो जितने भी समांतर चतुर्भुज बनते हैं, अगर हम उनको कैटेगराइज करें तो एक बनकर आता है रिक्टेंगल। हम यहाँ पे कहते हैं कि सभी रिक्टेंगल समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी रिक्टेंगल समांतर चतुर्भुज होते हैं। लेकिन पलट कर अगर हम बात करें तो हम कहेंगे सभी समांतर चतुर्भुज रिक्टेंगल नहीं होते, बाद में हम आपको बता रहे हैं। तीसरी बात हम यहाँ पे कहेंगे कि सभी वर्ग आपके आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, अर्थात सभी वर्ग आपके समांतर चतुर्भुज होते होंगे, अर्थात सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होते होंगे। एक और फिगर की बात करी हमने, कहा रोम्बस, जितने भी आपके सम चतुर्भुज होते हैं वो सब के सब समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी समांतर चतुर्भुज आपके सम चतुर्भुज होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन थी आपके फिगर के क्लासिफिकेशन की, इस हिसाब से हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया।
अब एक एक क्लासिफिकेशन को हम लोग डिटेल से देखते चले जाएंगे, दोनों मुद्दों से हम लोग देखेंगे, एक तो हम मेंसुरेशन के हिसाब से आपको बताएंगे, दूसरा हम आपको ज्यामिति के हिसाब से भी बताएंगे, मतलब क्षेत्रमिति और ज्यामिति दोनों का प्रयोग अलग अलग फिगर्स में कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले एक फिगर उठाते हैं और सबसे फिगर में हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज की बात करने जा रहे हैं और सबसे पहले हमने जो फिगर लिया उसको हमने कहा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को आप कहते हैं समांतर चतुर्भुज। अब एक एक बात को समझिएगा, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी, अब यहां पे दोनों पॉइंट से हम इसको पढ़ेंगे, एक तो हम यहां पे ज्यामिति के हिसाब से इसको पढ़ेंगे, मतलब हम यहां पे इसको ज्योमेट्री के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं, व्याप ऑफ द ज्योमेट्री, और दूसरा हम लोग इसको मेंसुरेशन के हिसाब से भी पढ़ेंगे, हम क्षेत्रमिति के हिसाब से भी इसको पढ़ेंगे, दोनों के हिसाब से हम इसके बारे में बात करेंगे, मतलब हम क्षेत्रमिति और ज्यामिति दोनों को हम एक ही प्रकार में यहाँ पे लेकर जाने जा रहे हैं, क्षेत्रमिति और ज्यामिति दोनों के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं हम एक एक करके चीजों को। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज की बात करें, समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा है, एक ऐसा फिगर जिसमें आप ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी जो विपरीत भुजाएं हों, जिसकी विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर हों, जिसकी विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर हों। जैसे अगर आपके पास एक चतुर्भुज बनकर आया ए बी सी डी, तो आप कह सकते हैं कि यहां पे जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, एंड ए बी जो है वो बराबर भी है सी डी के। मतलब मैं आपको बता रहा था कि जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो समान तथा समांतर होती हैं। आप ए बी को कह सकते हैं सी डी के समांतर भी है और ए बी को आप सी डी के समान भी कह सकते हैं। इसी क्रम में आप कह सकते हैं कि बी सी जो है वो समांतर है ए डी के, एंड आप ये भी कह सकते हैं कि जो बी सी है वो बराबर है ए डी के। मतलब ये जो बी सी है ये इसके समांतर भी है और बी सी इसके समान भी है, मतलब ये रेखा इसके समान है और ये रेखा इसके समान है। तो आप यहां पे कह सकते हैं किसी भी समांतर चतुर्भुज की बात करें तो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन यहां पे नजर आती है कि आप किसी भी समांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाओं की बात करेंगे तो वह भुजाएं आपकी समान होंगी, साथ साथ समांतर होंगी। आगे की बात किया जाए, जितने भी एडजेसेंट एंगल होंगे, जितने भी एडजेसेंट एंगल होंगे उनका योग 180 अंश के बराबर होगा। अब आप समझिएगा, जितने भी एडजेसेंट मतलब साथ में जुड़े कोण होंगे, जैसे आप कह दीजिए कि जो कोण ए है प्लस कोण डी है, क्योंकि ए आपका देखिए साथ में जुड़ा हुआ कोण है, इसी तरह से कोण ए अगर कोण बी के साथ जुड़ जाए, कोण ए कोण बी के साथ जुड़ जाए, तो इन दोनों कोणों का मान 100, मतलब इन दोनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा। हमने कहा जो संगत कोण होंगे मतलब साथ में जुड़े कोण होंगे वो 180 अंश होंगे, अगर ए को हम बी के साथ जोड़े या ए को बी के साथ जोड़े तो मान तो 180 अंश होगा। जबकि अगर हम लोग यहां पे कोण सी को कोण डी के साथ जोड़े और या हम कोण सी को कोण बी के साथ जोड़े तब भी मान 180 अंश के बराबर होगा, ये भी मान आपका 180 अंश के बराबर होगा। मतलब ये दूसरी इंफॉर्मेशन हमने कोणों से संबंधित दी, हमने कोणों से संबंधित आपको बताया कि जो संगत कोण होंगे वो आपके उनका योग 180 अंश होगा, अर्थात वे सभी सप्लीमेंट्री होंगे। जबकि जो विपरीत कोण होंगे, जैसे ए कोण इस कोण के बराबर होगा, विपरीत कोण कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा, जबकि कोण बी आपका जो होगा वो बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डी। अच्छा, इसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा, क्योंकि ऐसे तमाम प्रश्न आपके बनते हैं जो आपकी ज्योमेट्री में बनते हैं, जहां से आपको इनके कोणों के हिसाब से इंफॉर्मेशन दे करके इनसे संबंधित चीजों के बारे में बताना पड़ता है। तो मैंने आपको तीन चीजें पहले बता दी, मैंने कहा कि इनके जितने भी विपरीत भुजाएं होती हैं वो समान तथा समांतर होती हैं, संगत कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, विपरीत कोण आपके जो होते हैं वो आपके समान होते हैं। दूसरी बात हम यहां पे बताएं, अगर हम विपरीत भुजाओं को मिलाते हैं तो डायगोनल बनता है, आपको पता है कि बिकर्ण बनता है। अब अगर बिकर्ण यहां पे, हमने सबसे पहली चीज आपको बताई कि अगर हम विपरीत भुजाओं को मिलाएंगे तो हमारे पास दो बिकर्ण बनेंगे, दोनों बिकर्ण यहां पे इस चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड कर देते हैं, दो बराबर। जैसे अगर हम बात करें यहां पे एडीसी और बात करें एबीसी तो दोनों के क्षेत्रफल समान हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम लोग इस बिकर्ण की बात करें तो कोण ए मतलब त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज बीसीडी उसका भी क्षेत्रफल समान हो जाएगा। लेकिन ये जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो इनके बिकर्ण है
एक दूसरे को इस बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को इस बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात जो AO होगा वो OC हो जाता है एंड जो BO होगा वो आपका OD हो जाता है। देखिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि जो विकर्ण होंगे जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, मैंने एक चीज बताया, सबसे पहले जो विकर्ण होते हैं वो एक काम पहले कर देते हैं कि इस पूरे समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड कर देते हैं, चाहे पहले विकर्ण की बात करिए चाहे दूसरे विकर्ण की बात करिए। लेकिन वो खुद क्या करते हैं, वो खुद क्या करते हैं कि वो सबसे बड़ी चीज कि वो आपस में भी समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित मतलब समान दो भाग बनाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि BO का मान OD के बराबर है या AO का मान OC के बराबर है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे मेरी बात को, तो यहां पे इस इंफॉर्मेशन को आप यहां पे टैकल कर सकते हैं इस तरह की चीजों से। ये हमने कुछ ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन दी, ज्यामिति से संबंधित इंफॉर्मेशन दी। अब बात अगर हम मेंसुरेशन की करें तो मेंसुरेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन में भी फिर भी हम एक ऐसे ही चतुर्भुज का की बात करने जा रहे हैं जो कि समांतर चतुर्भुज है। अब आप समांतर चतुर्भुज को नोटिस करिएगा, समांतर चतुर्भुज है, आपको अच्छी तरह से पता है कि इनकी जो समान विपरीत भुजाएं होती हैं वो आपकी समान तथा समांतर होती है, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, अगर इस त्रिभुज का नाम भी ABCD रखें तो। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, क्योंकि हम मेंसुरेशन में क्षेत्रफल निकालते हैं और परिमाप निकालते हैं, आप सबको अच्छी तरह से पता है। हम यहाँ पे केवल और केवल इनकी बात करने जा रहे हैं, बाकी हमसे यहाँ पे कोण भुजा इन सबसे कोई मतलब, कोण और इन सबसे रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। तो हम एरिया की बात करें तो एरिया मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने त्रिभुज पढ़ा था तो त्रिभुज पढ़ते समय आपने कहा था कि अगर किसी भी भुजा को आधार बना दिया जाए, किसी भी भुजा को आधार बना दिया जाए, उसके शीर्ष बिंदु से मतलब उस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उस भुजा पर डाली गई लंब की लंबाई हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता था। चलिए अब अगर हमने कहा कि हम इस त्रिभुज को ऐसे हमने अगर सपोज करिए ब्रेक कर दिया, ऐसे ब्रेक कर दिया, हम अगर इसको आधार बना लें, इसको आधार बना लें, तो हम यहां पे इस शीर्ष बिंदु से अगर एक लंब की लंबाई इसके ऊपर डाल दें, एक लंब की लंबाई इसके ऊपर डाल दें, तो इस त्रिभुज ADD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे AB गुणे H, अगर हम इसको आधार की ऊंचाई को H कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो विकर्ण होते हैं दो बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड कर देते हैं। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे, आपने इसको आधार माना है ना, आपने इसको आधार माना है क्योंकि आप AB को लेके चल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप AB को ही लेके चलिएगा हमेशा, आप BC को भी लेके चल सकते हैं, आप ADC को भी लेके चल सकते हैं, आप AD को भी लेके चल सकते हैं, किसी को भी आधार बना लीजिए, उसके शीर्ष बिंदु से उस भुजा पर एक लंब डालिए या हमको दूरी उसमें दी गई हो, ऐसी स्थिति में हमको पता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके अनुसार 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो विकर्ण होते हैं दो बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड कर देते हैं, अर्थात 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई को जब 2 से गुणा करेंगे तो केवल हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, क्या हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। अब आपको मेरी बात को समझना होगा अच्छी तरह से कि यहां पे जब कभी भी कोई एक समांतर चतुर्भुज हमारे सामने प्लान होगा तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा दो चीजों पे डिपेंडेंट होगा, एक तो उसके आधार पर, एक उससे उसके आधार को विपरीत आधार से मिलाने वाली लंबाई पर। जैसे आपने AB की बात करी, AB को जो CD से मिलाने वाली रेखा जो समकोण आकर के बनाए वही उसकी ऊंचाई कहलाएगी, अर्थात यहां पे AB गुणे H कर देंगे तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब आप देखिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं इसमें करवाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और दूसरी बात, जब बात अच्छा यहां पे आपको पता है कि जो भी क्षेत्रफल होगा वो यूनिट का स्क्वायर होता है, इसमें किसी भी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमने जो परिमाप की बात करी है तो परिमाप हमेशा आपको पता है कि भुजाओं का योग होता है, क्या होता है भुजाओं का योग। अगर इसको हमने बी माना है, इसको हमने ए माना है, तो यहां पे 1/2 यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि BB दो बार रहेगा, AA दो बार रहेगा, तो ट्वाइस A+B हो जाएगा, ट्वाइस A+B यूनिट आपका परिमाप। हमको अगर भुजाएं सारी की सारी दी गई हैं तो हम लोग परिमाप तो तुरंत निकाल ही देंगे, तो ये आपके पास इस त्रिभुज इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिमाप का फार्मूला हो गया। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझें तो आपको तुरंत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। यहां पे मैं इतना समझाना चाहूंगा इस ज्यामिति वाले सेक्शन को हटा करके कि यहां पे जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई एक हमने समांतर चतुर्भुज प्लान किया, हमने एक समांतर चतुर्भुज हमने जैसे एक प्लान किया, ABCD अगर उसका नाम है, हमने कहा कि इसकी एक भुजा AB 10 सेंटीमीटर है,
एबी के विपरीत भुजा के किसी एक बिंदु से, शीर्ष बिंदु से इस पे डाली गई लंबाई या इसकी दूरी आपकी अगर सपोज करी 8 सेंटीमीटर है, तो आपसे कहा गया इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लिखेंगे सिंपली 10 गुणे 8 हो जाएगा, अर्थात 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए हमसे कहा गया कि जो दूसरी भुजा है वो आपकी 12 सेंटीमीटर या आपके पास 16 सेंटीमीटर है, अगर ये दूसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है, आपसे पूछा गया जो दूसरी भुजा है उसके विपरीत बिंदु से या उसके विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। सपोज करिए सबसे पहले मैंने कहा आपको इसके बारे में नहीं पता था, या पता भी होता हमें जो आधार पता हो और आधार से अपने विपरीत भुजा के बीच की दूरी अगर पता हो, हम या जो समकोण बना रही देखा वो पता हो, तो क्षेत्रफल तो हम डायरेक्टली निकाल ही देंगे। एक क्वेश्चन और हमसे पूछा गया कि जो दूसरी भुजा आपकी बीसी है, बीसी के उसके विपरीत भुजा से दूरी क्या होगी, मतलब उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अगर उनके बीच की दूरी सपोज करिए एच है, तो नियम जो है वही लगेगा, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल इस केस में हमसे एच अगर पूछा जा रहा है, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ऐसी परिस्थिति में आधार तो ये हो जाएगा ना 16, ऊंचाई इसकी क्या है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एच है, और आपको पता है कि यहां पे जो क्षेत्रफल अभी अभी हम निकाल चुके हैं वो 80 है, तो आपको पता है कि 16 गुणे एच बराबर 80 हो गया, अर्थात एच बराबर 16 पंचे 80, 5 सेंटीमीटर आपके पास इसके यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी। मतलब ऐसे प्रश्न एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। अगर हमसे किसी ने यहाँ पे परिमाप पूछ लिया होता तो हमको पता है कि एक समांतर चतुर्भुज है, आपको पहले से बताया जाएगा कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, अर्थात AB प्लस AB और CD दोनों समान होंगी, BC और AD भी समान ही होंगी। 16A है, अर्थात ट्वाइस L प्लस B आप कर दीजिए, 10 प्लस 16 कर दीजिए, 16 10 26 दूना 52 सेंटीमीटर इस चतुर्भुज का परिमाप हो गया, इस चतुर्भुज का परिमाप हो गया। अब आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, जो कि आपके समांतर चतुर्भुज की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देती है, और आप लोग इस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से नोटिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग, चलिए नेक्स्ट फिगर की बात किया जाए, तो अगला फिगर हमारे सामने रिक्टेंगल होता है। रिक्टेंगल को हम लोग आयत कहते हैं, रिक्टेंगल को आयत कहते हैं, और आयत की जब डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं तो आयत को सबसे पहले कहते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज आयत कहलाता है। सबसे पहला शब्द देखिए, जब अब कभी आयत की डेफिनेशन आपको पढ़ाई जाती है तो आपको कहा जाता है किसी समांतर चतुर्भुज को आयत कहते हैं तब जब उनकी संगत भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री का हो। कितना एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको निकल कर सामने आ रही है, हम दोनों हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन देंगे, हम ज्योमेट्री के हिसाब से मतलब ज्योमिति के हिसाब से भी देंगे, और हम आपको मेंसुरेशन के हिसाब से भी यहां पे इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। अब आप देखिएगा, ज्यामिति भी दिया और मैंने मेंसुरेशन की भी बात करी, अब दोनों चीजों को आप गौर करिएगा और पहलू हर पहलू को आप समझने का प्रयास करिएगा। क्षेत्रमिति की भी बात करेंगे, देखिए अब आपको कहा जाएगा कि ज्यामिति के हिसाब से क्या कहेंगे। सबसे पहले मैंने कहा किसी समांतर चतुर्भुज को आयत कहते हैं, समांतर चतुर्भुज को आयत कहते हैं, आयत कहते हैं यदि क्या होगा। अब सबसे पहला ही वर्ड अगर हमें निकल आया कि समांतर चतुर्भुज को आयत कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि समांतर चतुर्भुज के सारे नियमों को वह फॉलो करेगा, लेकिन इसके पास कुछ एक्स्ट्रा नियम भी होगा। मतलब जितने भी समांतर चतुर्भुज के नियम अभी अभी थोड़ी देर में पहले आपने पढ़ा है, उस सारे नियम एप्लीकेबल होंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाता हूं। पहली चीज देखिए, कंडीशन इसकी क्या है, उस कंडीशन के बारे में आपको बता देता हूं। फिगर को पहले नोटिस करिएगा तो आपको सारी कंडीशन वैसे ही स्पष्ट हो जाएंगी। जब कभी समांतर चतुर्भुज बनाते थे तो समांतर चतुर्भुज में एक कंपलसरी नहीं होता था कि संगत भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनाना है, कोई भी कोण बन सकता था, लेकिन यहां कंपलसरी है कि संगत भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी ही बात से यह आपका समांतर चतुर्भुज की एक एक्स्ट्रा थ्योरम बन जाती है। बाकी ये पूरी तरह से समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, इसमें भी विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, और इसमें भी आपके सभी संगत कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, इसमें भी विपरीत कोण समान होते हैं, इसमें भी जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं या समद्विभाजित करते हैं, सब कुछ वही है। लेकिन एक एक्स्ट्रा थ्योरम हमारे सामने बनकर आई है, वो ये है कि संगत कोण मस्ट बी 90 डिग्री, इनको हमेशा समकोण होना पड़ेगा।
अब ये समकोण है, इसीलिए आपका आयत है, इसका एक नया नाम बन गया। अदरवाइज ये पूरी तरह से आपका एक समांतर चतुर्भुज ही है। आप सारे नियमों को, जो कुछ भी आपने समांतर चतुर्भुज में लिखा है, वो सारे नियमों को उठा के यहां भी लिख देंगे तो आपके लिए एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पूरी तरह से बनकर सामने आएगी। मतलब मैं फिर से वही बात क्यों दोहराऊं जब मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है, तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि यह भी एक समांतर चतुर्भुज की तरह बिहेव कर रहा है, अर्थात यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए जब कभी भी हम लोग रिवर्स थ्योरम पढ़ते हैं, यहां पे एक शब्द कहते हैं, कभी कभी आपके एग्जाम में वो सेट थ्योरी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस नियम को फॉलो कर रहा है, सबसेट वाला सिस्टम जो होता है, आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो क्या होता है बताएं कि जब कोई समांतर चतुर्भुज है, वो समांतर चतुर्भुज, सारे समांतर चतुर्भुज तो आयत नहीं होंगे, परंतु सभी आयत समांतर चतुर्भुज होंगे। जब आप शुरू में देख रहे थे तो आपको फिगर बनाकर दिखाया गया था, आप उसके हिसाब से यहां पर उस डिटेल इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताया, क्योंकि सब कुछ वही है। बस यहां पे जब मेंसुरेशन में हम आएंगे तो आप मेंसुरेशन में चीजें देखिएगा तो आपको लगभग उसी तरह की चीजें नजर आएंगी। कैसे नजर आएंगी देखिएगा, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसको हम इस समय आयत कह रहे हैं। आपको पता है कि विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा किसी एक को आधार बना लीजिए, जो हम लोग यहाँ पे आयत में जनरली लंबाई कहते हैं और आयत में जनरली हम इसको चौड़ाई कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि आपको पता है लंबाई और चौड़ाई के बीच कितने डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का, इसलिए यहां कुछ सोचना नहीं है, यहां पे डायरेक्ट एरिया आपका लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है, यूनिट का स्क्वायर हो गया। अब आपको कुछ सोचना ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि यहां पर तो समकोण डायरेक्टली दोनों मिलकर बना रही है ना, इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई डायरेक्ट लिख दीजिए। यहां पर अगर पेरीमीटर करना है तो जस्ट आपका ट्वाइस एल प्लस बी कर दीजिए यूनिट। एक और चीज हमसे पूछी जाती है, इसमें जो विकर्ण की लंबाइयां होती हैं, याद रखिएगा जो विकर्ण की लंबाइयां होंगी वो आपकी समान होती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे समकोण बने होते हैं और यहां पे ये दोनों भुजाएं आपके पास किसी समकोण त्रिभुज की तरह काम कर रहे हैं, जैसे ए है वही ए है उसी सिक्वेंस में, सेम टू सेम इन दोनों, क्योंकि ए इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अर्थात बीच में 90 डिग्री का कोण बना है। पाइथागोरस नियम जो लगता था वही लगाया जाएगा, इसलिए यहां पे जो आपका AC होगा वो BD के समान होगा। और उस विकर्ण की लंबाई, उस विकर्ण की लंबाई को अगर हम कैपिटल L कह दे रहे हैं तो, या हम L कह रहे हैं, अंडर रूट जैसा पाइथागोरस नियम फॉलो कराता था, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। मतलब विकर्ण की लंबाई को हम L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कह सकते हैं। छोटा सा अगर एग्जाम्पल उठाएं तो बहुत आसानी के साथ आप इस पॉइंट को, इस पहलू को अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा था। आप लोग देखिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हमने उठाया, अभी हम केवल बहुत बड़े प्रश्न नहीं उठा रहे, बहुत बड़े प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर आपके साथ आएंगे, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्चुअली नॉलेज होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं। हमने कहा एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। अब आपसे पूछा गया आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, 20 गुणे 15 अर्थात 300 मीटर स्क्वायर होगा, 300 मीटर स्क्वायर होगा। इन केस हमसे किसी ने कहा कि इस आयताकार मैदान में 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सिंचाई कराने का कास्ट या खर्च कितना आएगा, तो खर्च जब आप ज्ञात करेंगे सिंचाई करने के लिए तो आप लिखेंगे सिंपली 5 गुणे 300 अर्थात 1500 रुपए टोटल खर्च आएगा। मान लीजिए किसी के घर में या किसी ने प्लाट किसी के पास है और वो प्लाट 1000 स्क्वायर मीटर का है, मतलब आप 1000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए लंबाई चौड़ाई में। अगर वो रेंट पे उठा रहा है, उसने 50 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर का कास्ट रखा है, तो 50 गुणे आप 1000 कर दीजिए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे टोटल कास्टिंग पता कर सकते हैं। इन केस वह व्यक्ति कह रहा है कि मुझे चारों तरफ अपने मैदान के तार लगवाना है, क्या करवाना है, तार लगवाना है, तार मतलब पेरीमीटर, और उस तार लगवाने का जो खर्च है वो आपका 2 रुपए प्रति मीटर है, 2 रुपए प्रति मीटर है, तो कुल खर्च क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको परिमाप निकालना पड़ेगा, परिमाप हो जाएगा ट्वाइस एल प्लस बी, एल प्लस बी, इसका मतलब 2 गुणे आप 15 प्लस 20 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 मीटर अर्थात 70 मीटर हो गया, 70 को 2 से गुणा कर देंगे तो कुल खर्च आपका तार लगवाने का हो जाएगा 140 रुपए। समझ रहे हैं आप सब लोग? विकर्ण की लंबाई की बात की जाए तो विकर्ण की लंबाई भी बहुत स्पष्ट है, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई L बराबर अंडर रूट 20 का वर्ग प्लस आपका 15 का वर्ग, तो
तो 20 का वर्ग भैया 400 होता है और 15 का वर्ग 225 होता है, अर्थात अंडर रूट 625 होगा जिसका वर्गमूल 25 मीटर हो जाएगा। तो विकर्ण की लंबाई भी आपके पास ज्ञात हो गई। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें पता हैं या सारा कुछ कॉन्सेप्ट पता है, हम इन बेसिक पहलुओं को अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं और इस पे वर्क कर सकते हैं, जो आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले फिगर की बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको फिर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम जैसे जैसे इन चीजों को पढ़ते जा रहे हैं तो केवल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए पढ़ते जा रहे हैं। जब आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेंगे तो हम लोग यहाँ पे इनसे संबंधित आपको प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें कई सारी चीजें होती हैं, उनको लेकर के हम लोग यहाँ पे जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न उन पर डिस्कशन आपसे जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले फिगर की बात करते हैं। अगला फिगर आपका है स्क्वायर। अगला फिगर है आपका स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। स्क्वायर की बात किया जाए, जिसको वर्ग कहते हैं, इसको भी ऐसे हम दो पार्ट्स में अगर ब्रेक कर चले तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दूं, मतलब ज्यामिति के बारे में मैं आपसे बात करूं, और फिर मैं आपसे इसके बारे में मेंसुरेशन से संबंधित बात भी करूं। तो दोनों चीजों के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मतलब मैं क्षेत्रमिति के बारे में भी बात कर रहा हूं हर फिगर का, और ज्यामिति के बारे में भी हम लोग बात डिस्कशन करते जा रहे हैं। अब आप समझिएगा, जब वर्ग की डिफिनेशन दी जाएगी, हमको कहा जाएगा कि सभी आयत वर्ग होते हैं, आयत वर्ग होते हैं यदि, होते हैं यदि उनकी सभी भुजाएं समान हों, उनकी सभी भुजाएं समान हों, सभी भुजाएं समान। अब आप देखिएगा, जैसे हमने यहां पे कंडीशन लगा के रखी थी समांतर चतुर्भुज की आयत के लिए, वैसे ही आयत की कंडीशन लग रही है चतुर्भुज की, जिसको हम वर्ग कहते हैं। अब आप देखिएगा, जिससे हमें एक इंफॉर्मेशन नजर आई कि जितने भी वर्ग होंगे वो सब के सब आयत होंगे, लेकिन सभी आपके जो है आयत वर्ग नहीं होंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसे? देखिएगा, इसमें कंडीशन क्या है। अच्छा, आयत में कंडीशन ये थी कि उसके पास केवल जो चारों भुजाएं हो, पूरी तरह से आपका जो है पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज की तरह काम करे, बस चारों भुजाओं के बीच जो आपस में कोण बनता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री यहां भी होगा, लेकिन वहां एक कंपल्सरी सिचुएशन नहीं थी कि सभी की सभी भुजाएं समान हो, परंतु यहां पे वो कंपल्सरी कंडीशन है कि इसकी चार की चारों भुजाएं आपकी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। चार की चारों भुजाएं आपकी एक दूसरे के समान होनी चाहिए, तभी आपका वर्ग है। बाकी सारा वो नियम फॉलो करेगा जो आयत करता है, और आयत वो सारा नियम फॉलो करता है जो समांतर चतुर्भुज करता है, अर्थात ए भी वो सारा नियम फॉलो करेगा जो समांतर चतुर्भुज करता है। इसके पास बस कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन हो गई कि इनकी सभी की सभी भुजाएं आपकी क्या दिख रही हैं? समान दिख रही हैं। बाकी आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कहां से ले सकते हैं? समांतर चतुर्भुज से ले सकते हैं, जहां पे इसके बारे में आपको डिटेल्ड वे में पढ़ाया गया है, बताया गया है। अब आइए क्षेत्रमिति के प्रश्नों की बात किया जाए, क्षेत्रमिति से संबंधित चीजों की बात की जाए। हम सबसे पहले आपको एक वर्ग लेते हैं और बताते हैं। वर्ग है तो सभी भुजाएं समान है। अब आपका ये वर्ग है, सपोज करिए सबकी सब भुजाएं समान है, बात आएगी क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल साफ साफ नजर आ रहा है, भुजा का वर्ग होगा ए गुणे ए, लंबाई गुणे चौड़ाई, ए गुणे ए तो ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात, परिमाप की कहा जाए तो चार गुणे भुजा हो जाएगा, फोरे हो जाएगा यूनिट। जबकि अगर विकर्ण की लंबाई की बात की जाए, इसकी बात की जाए, तो विकर्ण की लंबाई आपकी हो जाएगी। अब आप देखिए, अब आप रूट में क्या करेंगे बताइए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि a स्क्वायर का तो वर्गमूल संभव है बट 2 का नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग इसको रूट 2 इंटू ए यूनिट। आपके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? रूट 2a यूनिट। अब आप इस पे लेकर के कोई भी प्रश्न यहाँ पे हल कर सकते हैं, जो भी आपको दिया गया हो, और जितना भी आपके पास यहाँ पे अप्रोच बन सकता है, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा सा प्रश्न उठाएं और मैंने कहा एक आपके पास वर्ग है या वर्गाकार मैदान है, जिसकी सभी भुजाएं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर या 12 मीटर थी, सभी भुजाएं 12 मीटर थी। अब 12 मीटर भुजाओं वाला एक वर्गाकार मैदान था। अब आपसे जुताई करने का खर्च पूछ सकता है, सिंचाई करने का खर्च पूछ सकता है, पत्थर लगवाने का खर्च पूछ सकता है, कुछ भी करने के लिए आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो क्षेत्रफल आपका 12 गुणे 12 अर्थात 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चारों तरफ तार लगवा सकता है या बाउंड्री लगवा सकता है, इसके लिए परिमाप की जरूरत पड़ेगी, तो 4 गुणे 12 कह देगा अर्थात 48 सेंटीमीटर हो जाएगा।
आपसे बिकट की लंबाई पूछ सकता है, आपसे बिकट की लंबाई पूछ सकता है। तो बिकट की लंबाई आपको अच्छी तरह से पता होगा, अंडर रूट टू इंटू भुजा, तो भुजा है 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 रूट टू सेंटीमीटर है कि मीटर, मीटर है, मीटर हो जाएगा। तो बिकट की लंबाई, क्षेत्रफल, परिमाप आप किसी भी वर्ग का भी आराम से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं सब लोग? आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो अगला फिगर हमें नजर आएगा, जो फिगर आपका रोम्बस नजर आ रहा होगा। आप लोग देखेंगे तो जो हमने डायग्राम पहले बनाया है उसी डायग्राम के हिसाब से इसको हम अगला फिगर लेकर चल रहे हैं, जिसको सम चतुर्भुज कहेंगे, जिसको हम सम चतुर्भुज कहने जा रहे हैं। समझिएगा, सम चतुर्भुज। अब आप सम चतुर्भुज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लीजिए। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी सम चतुर्भुज होते हैं वो भी आपके समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। मैं दो इंफॉर्मेशन इसमें भी देने जा रहा हूं, एक तो आपको ज्यामिति के बारे में, फिर आपको मेंसुरेशन के भी बारे में देंगे, क्षेत्रमिति के बारे में भी हम देंगे। तो दोनों इंफॉर्मेशन को आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, समझिएगा। ज्यामिति के बारे में पहले समझिए, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज होता है तो समांतर चतुर्भुज के सभी नियमों को फॉलो करता है। दूसरी क्या क्या बातें होती है इसको समझ लीजिए आप लोग। देखिए, ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, सभी भुजाएं समान हैं, विपरीत भुजाएं समांतर हैं, विपरीत भुजाएं समांतर हैं। एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, विपरीत भुजाएं समांतर है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सबकी सब भुजाएं समान हो गई, बट ए बी समांतर है सी डी के एंड बी सी समांतर है ए डी के, मतलब ए आपकी इसके समांतर है और ए जो है इसके समांतर है। यहां सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो डायगनल करता है। डायगनल क्या करता है समझिएगा, जो इसके बिकर्ण होते हैं वो लगभग डिफरेंट होते हैं, आप लोग समझिएगा, अलग अलग लंबाइयों के होते हैं। मत समझिएगा भुजाएं समान है तो बिकर्ण समान हो जाएगा, यहां कोण भैया 90 नहीं है, 90 होता है तो समानता बनती है, ये भूल जाइएगा कि 90 नहीं है तो आप इसको कह दीजिए समान ही बिकर्ण बनेगा, बिकर्ण समान नहीं बनते अक्सर, बिकर्ण समान नहीं बनेंगे, बिकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर, अभी तक क्या होता था समद विभाजित करते थे जैसे समांतर चतुर्भुज में, बट इसमें समकोण पर समद विभाजित करेंगे, अर्थात इन सभी कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर यहां कोई बिंदु O पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो सबसे पहले समझना होगा कि जितने भी कोण बनेंगे, चाहे वो DOA बने, चाहे AOB बने, चाहे BOC बने, चाहे COD बने, सबके सब 90 डिग्री पे आ रहे हैं, सभी के सभी कोण 90 डिग्री बन रहे हैं, साथ साथ समद विभाजित, हम यहां कह सकते हैं बिकर्ण समकोण पर समद विभाजित करते हैं, समकोण पर समद विभाजित करते हैं, समद विभाजित होते हैं, जो बिकर्ण होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, अर्थात ये चीज तो क्लियर है कि AOOC के बराबर है, BOOD के बराबर है, मतलब अगर ये रेखा पूरी की पूरी 10 है तो AO आपका 5 हो जाएगा, अगर ये रेखा पूरी की पूरी 8 है तो BO आपका 4 हो जाएगा, लेकिन आपको इतना समझना है कि कोण हमेशा एक समकोण बनेगा, कोण हमेशा एक समकोण बनेगा, ये बहुत ही डिटेल्ड इसकी इंफॉर्मेशन है। अब बाकी जो नियम आपके समांतर चतुर्भुज में थे वो सारे के सारे नियम इसमें एप्लीकेबल होंगे, जो आपने वहां पे पढ़ा था, जो भी आपने वहां पढ़ा था। अब आगे बढ़िएगा, इसको अगर हम क्षेत्रमिति के हिसाब से लेके चले तो आपको क्या इंफॉर्मेशन हम दे पाएंगे उसको समझने का प्रयास करिएगा। एक समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज था आपका जिसका नाम ABCD था। अब आपको पता है कि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हैं, सभी भुजाएं समान हैं, भुजाओं से मतलब बहुत नहीं है, मतलब बिकर्णों से है। अगर इसका एक बिकर्ण D1 है, दूसरा बिकर्ण D2 है, तो इसका जो क्षेत्रफल बनता है वो आपका हो जाएगा 1/2 × D1 × D2, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल डिवाइडेड बाई 2, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल बिकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल डिवाइडेड बाई 2 आपका बन जाता है क्षेत्रफल। परिमाप की बात कोई करे तो परिमाप, अगर ये भुजाएं पता हैं, भुजा जैसे ए पता है, ए पता है, ए पता है, भाई एक पता चल गई तो सब पता चल गए, अर्थात परिमाप आपका 4 × A हो जाएगा यूनिट, लेकिन क्षेत्रफल इसका डायगनल पे डिपेंडेंट होगा, डायगनल पे पूरी तरह से आधारित होगा। समझ रहे मेरी बात को? जैसे मैं आपको कह दूं
मैं आपसे कह दूं कि एक छोटा सा हम एग्जांपल इसके बारे में आपको कराना जरूरी समझेंगे, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा कि एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण D1 10 सेंटीमीटर, D2 जिसका विकर्ण D1 10 सेंटीमीटर और D2 24 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया उस समचतुर्भुज का, आपसे समचतुर्भुज की बात करी जा रही है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ साथ पूछा गया परिमाप भी ज्ञात कीजिए। अब आप थोड़ा सा समझिएगा इस फिगर को। सबसे पहले आपको जब फिगर बनाना होगा तो आप ऐसे कुछ बनाइए और समझिए। एक समचतुर्भुज है अर्थात इनकी सभी भुजाएं समान हैं। अब आप देखिएगा, एक विकर्ण है आपका 24 और दूसरा विकर्ण है आपका 10, क्योंकि आपको पता है कि दोनों विकर्ण का जहां इंटरसेक्शन होता है वहां समकोण बनता है, 90 डिग्री बनता है। अगर ये 10 था या ए वाला 10 था तो ये मान आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 5 10 होता है इस समचतुर्भुज का नाम, अगर मैंने ABCD रखा है तो। एक विकर्ण आपका था 24 का मतलब ए हो जाएगा 12 और ए हो जाएगा 5। अब आपसे सबसे पहले क्षेत्रफल पूछा था, तो क्षेत्रफल में तो कोई समस्या नहीं, 1/2 × 12 24 × 5 10 कर दीजिए, 24 × 10 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2 × 5 10, 24 × 5 120 यूनिट स्क्वायर, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। विकर्ण जब दिए ही हैं तो हमें क्षेत्रफल निकालने में तो समस्या नहीं है, निकलने में समस्या क्या है, परिमाप की है। तो परिमाप के लिए हमें भुजा की नॉलेज होना जरूरी था। अब भुजा की नॉलेज डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन पता तो कर सकते हैं ना कि एक जब ये विकर्ण था पूरा का पूरा 24 तो हम इसको लिख सकते हैं 12, जब ये पूरा का पूरा था 10 तो हम इसको लिख सकते हैं 5। अर्थात यहां पे जो समकोण त्रिभुज बना उससे ये जिस त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं वो एक बन गया आपका समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जब पाइथागोरस थ्योरम काम करेगी तो यह मान आपका 13 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, √169। अब हम जब साल्व करेंगे तो यह मान 13 हो जाएगा, अर्थात जो इसका पेरीमीटर बनकर आएगा वो 4 × 13 होगा, 13 × 52 सेंटीमीटर आपके पास यहां पे इस समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। क्लियर है सबको, इस समचतुर्भुज का परिमाप हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, और डिटेल्ड क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में कराएंगे, इंफॉर्मेशंस आप लोग एक एक करके लेते जाइएगा। आगे के प्रश्न पे आते हैं, टाइप पे आते हैं। तो अगला बना ट्रेपीजियम, ध्यान दीजिएगा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को हम कहेंगे समचतुर्भुज, इसको कहते हैं समचतुर्भुज। ट्रेपीजियम को हम लोग कह रहे हैं समचतुर्भुज। अब आप समचतुर्भुज की बात करिए, एक ऐसा चतुर्भुज, इसकी भी दो इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं, एक तो हम ज्यामिति के बारे में दे रहे हैं, दूसरा हम इसमें भी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले ज्यामिति की बात करें, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर हों, देखिए इसको हमने समांतर कह दिया, लेकिन दो भुजाएं आपकी असमांतर हों, ये आपका एक क्या बन गया, एक आपका ट्रेपीजियम या समलंब कहते हैं, याद रखिएगा इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज तो रोम्बस होता है। अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन बन गई कि जब हमारे पास, हमने कहा कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो तो उसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसमें भी ये ध्यान देना होता है, यदि असमांतर भुजाएं, जैसे मान लीजिए एक ऐसा चतुर्भुज बना जिसमें असमांतर भुजाएं समान हैं, मान लीजिए हमने कहा कि जो AD है वो आपके BC के बराबर है, हमने कहा यदि जो AD है वो BC के बराबर है, अर्थात इस चतुर्भुज को आइसोसेलीस ट्रेपीजियम कहेंगे। आइसोसेलीस को हिंदी में हम लोग कहेंगे समलंब, हम इसको कहेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, इसको हम आइसोसेलीस ट्रेपीजियम कहते हैं, या हम इसको कहेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ऐसी स्थिति में यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर हम दो विकर्ण प्लान करते हैं तो विकर्ण यहां पे जहां इंटरसेक्ट करते हैं,
तो यह बिकर्ण इस बिकर्ण के बराबर होगा, मतलब जो आपका अगर सपोज करिए AO बनेगा यहां पे OB के बराबर होगा, जबकि जो OC बनेगा वो आपका OD के बराबर होगा। ये इंफॉर्मेशन आपको समद्विबाहु बाहु समलंब चतुर्भुज से नजर आता है, समझे रहिएगा। कोण A जो बना वो कोण B के बराबर हुआ, कोण जो C बना वो कोण D के बराबर हुआ, जबकि और इंफॉर्मेशन अगर हम लें, जब हमने बिकर्ण बना दिए हम लिख सकते हैं AO अपने सेगमेंट के नहीं दूसरे वाले के सेगमेंट के OB के बराबर हुआ, जबकि जो CO बनेगा वो आपका OD के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इतनी इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं। लेकिन जब मेंसुरेशन में आएंगे तो आप समझिएगा, मेंसुरेशन में जब आएंगे तो बस इतना ध्यान देना होगा कि जो दो समांतर रेखाएं हैं, अगर एक रेखा मेरी X1 है दूसरी रेखा मेरी X2 है, दोनों के बीच की दूरी अगर D है, दोनों के बीच की दूरी अगर डी है, तो हम यहां पे जो एरिया लेंगे 1/2, देखिएगा रूल क्या होता है, 1/2 द सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स में आप x1 प्लस x2 लिखेंगे, साथ साथ उनके बीच की डिस्टेंस डी यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट आपके पास दी जाएगी उससे हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज था, एक हमारे पास समलंब चतुर्भुज था, सिंपली 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इनके बीच 5 सेंटीमीटर, मैं लिखूंगा सिंपल सा 1/2 10+8 × 5, 10 × 8 = 18, 2 × 9 = 18, 9 × 5 = 45 यूनिट स्क्वायर। सिंपल सा आपको यहां पर इसका परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। रही बात परिमाप की, रही बात आइसोसेलीस ट्रेपीजियम की, तो प्रश्नों से आपको क्लियर होगा जब हम प्रश्न उठाएंगे। जैसे एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर मान लीजिए यहां पे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, याद रखिएगा इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हमेशा सेम होती है। आपको यह भी याद रखना होगा कि यह मान इस मान के बराबर, मतलब ए डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। आप यहां भी समझ सकते थे, अगर एक लेंथ ऐसे बना दें, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दें, मान लीजिए एक्स पे मीट कर रही है, वाई पे मीट कर रही है, तो मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं कि जो ए एक्स होगा वाई बी के बराबर हो जाएगा, जो मेंसुरेशन में बड़ा सहायक होगा। आप इनका भी यूज मेंसुरेशन में करेंगे, आपको हम करते हुए दिखाएंगे, करके अलग अलग भुजाओं के देने पर, अलग अलग तरीकों के देने पर आप कैसे यहां पे क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, भुजाओं से परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट फिगर की बात हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं, जो कि है काइट। मैं आपको बता दूं, आपकी पूरी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में काइट का जो प्रयोग है, वो काइट का प्रयोग कभी कभी ज्योमेट्रिकल वे में करा जाता है, मेंसुरेशन में तो नहीं किया जाता है। काइट है क्या, इसको समझिए, जो जैसे हम पतंग उड़ाते हैं वही काइट है, वही पतंग है। उस पतंग के बनने का सही अप्रोच, जैसे आप पतंग जो लेते हैं मार्केट से, वो पतंग आइडियल पतंग कब है, जब जो है पतंग की इस रूपरेखा को जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इसको फॉलो करेंगे तो सही पतंग बनेगी और सही तरह से उड़ेगी। अब आप समझिए कैसे बनी यह पतंग है, यह भी एक चतुर्भुज है, याद रखिएगा यह भी एक चतुर्भुज है, इसका नाम ऐसे कुछ हमने रखा ए बी सी डी। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे सामने बनकर आई कि जो AD हो वो AD के बराबर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, AB AD के बराबर हो, जबकि BC जो है वो आपकी CD के बराबर हो, BC CD के। आप ध्यान देते जाइएगा, सब समझ में आ जाएगा। AB AD के बराबर हो, BC आपकी CD के बराबर हो। अगर हम इनके विकर्णों को मिला दें, इनके विकर्णों को मिला दें, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर समकोण बनाएंगे। मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पे आपको समझ सकते हैं कि अगर ओपे इंटरसेक्शन हो रहा है तो समकोण बनाएंगे। साथ साथ यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अब आप ये भी समझ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर इंटरसेक्शन ओपे हो रहा है तो जो बीओ होगा वो ओडी के बराबर होगा, लेकिन ये मत कहिएगा कि एओ जो है ओसी के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं क्या क्या मैंने कहा, कि एक तो जो सेगमेंट जुड़े हैं, भुजाएं जो जुड़ी हैं, ए बी ए डी के बराबर, बी सी बी डी बी सी सी डी के बराबर, अगर मैं विकर्णों को मिला दूं, तो विकर्णों के मिलाने से सबसे पहली चीज तो विकर्ण समकोण पर मिलेंगे, दूसरी बात जो विकर्ण का जो ये वाला विकर्ण है जो आपको ऊपर की तरफ मिला रहा है, इनके जो सेगमेंट्स होंगे आपस में बराबर होंगे, कोण आपको पता है यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतना चीजें आपको समझ में आ गई तो यही आपका चतुर्भुज का बेसिक इंफॉर्मेशन था।
बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन एक एक सीट के माध्यम से, हम कुछ क्वेश्चन सेट के माध्यम से आपको कराएंगे, लेकिन इस बेसिक अप्रोच को जानना बहुत जरूरी है। आपकी आज की क्लास में मैंने चतुर्भुज के सारे इन टाइप्स को आपसे डिस्कस किया है। मुझे पूरा विश्वास और आशा है कि आपको यह टाइप सब समझ में आया होगा और यह टाइप आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज करके पढ़िए। हम इस पे प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपको अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे। तो आज की इस क्लास के लिए मैं फिर से एक बार सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपको हम नई श्रृंखला के साथ, नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलेंगे।